भारत में जनजीवन मानसून पर टिका है। आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जिसे चलाने में मानसून का सर्वाधिक योगदान रहता है। मानसून से ही भारत की फसली चक्र निर्धारित होती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर बारिश होती है, लेकिन एक समय ऐसा होता है जब दक्षिण पश्चिमी मानसून देश के बहुत बड़े हिस्से में एक साथ बारिश करता है। कई बार इसके देर होने से या कमजोर पड़ने से देश में सूखे की मार भी पड़ती है। हालांकि इस बार मानसून समय से पहले ही आ रहा है। आमतौर पर 1 जून को केरल में बरसने वाला बादल इस बार 5 दिन पहले यानी 27 मई से ही बरसना शुरू कर देगा। मुंबई में भी मानसून समय से पहले ही जमकर बारिश करने वाला है। पूरे देश में इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। मानसून के पूरे 4 महीने 96 से 104% तक बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में खरीफ की फसल को ज़्यादा फायदा होने वाला है। भारत में इस बार सामान्य मानसूनी बारिश का अनुपात 880.6 मिलीमीटर है, जो 96 से 104% तक है। कुल मिलाकर इस साल देश भर में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।